मेहंदी नोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्यौहार नहीं होता। मेहंदी नोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्यौहार नहीं होता। यूं ही रह जाते सुने घरों के आंगन, अगर घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। तो मैं सबसे पहले इन बेटियों का और नारी जाति हमारे बीच में हकीकत से रूबरू हम हो रहे हैं। हमारे बीच में AEO एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर रतिया से मिसेस सुनील कुमारी जी और इस स्कूल के प्राचार्य मैम और मैडम जो बैठे हैं कि अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। तो नारी जाति को सम्मान करते हुए आज मैं आपके सामने एक दो बातें रखूँगा कि बी अवेयर इन एवरी मोमेंट, हम लोग जागरूक हों। अभी जो मेरी बातें रहेगी जैसे राजेंद्र जी ने भी बताया, तो हमारे एक टीम का मकसद रहता है, हमारे बीच में जैसे हमारे साथ मिस्टर दिलबाग सिंह जी हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो भी, श्री दयाराम जी, विकास जी। तो जैसे दिलबाग जी अक्सर ये बात करते हैं कि अगर अपने एक्सपीरियंस से बात की जाए तो वो ज़्यादा काम करती है। यही राजेंद्र जी का है कि जितना आदमी हो उतना ही बोलना चाहिए। तो हमने अपनी लाइफ में क्या किया कि हम, आपको लगता होगा कि ये किस लिए आए हैं, तो कोई स्टूडेंट बताए कि हम किस लिए आए हैं, किसको समझ में आया कि किस लिए आए हैं हम आपके बीच में, बताओ कोई भी बच्चा बताओगे? एक तो देखो, कोई भी आपके बीच में परफॉर्मर आता है कहीं से बोलने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए, क्योंकि इससे आपके स्कूल का नाम भी होता है कि हम कहीं भी जाएंगे कि स्कूल के बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, आप स्कूल में पढ़ने के लिए फीस भी देते हो तो अपना जो कॉन्फिडेंस है कम से कम वो चीज़ तो पूरे तो करो ना, आपने आत्मविश्वास तो दिखाओ आप। तो प्लीज़ टेल मी एनी स्टूडेंट, प्लीज़ कोई भी बच्चा बताएगा कि हम किस लिए आए हैं आपके बीच में, आपको कोई बात समझ में आई बताइए, कौन बताएगा? हाँ बता बेटा, हाँ बहुत बढ़िया बैठ। करियर सही रूप से हम लोग चूज़ कर सकें तो एक तो इसके अंदर दो तीन बातें हैं। एक होता है रचनात्मकता, हम लोग कैसे रचनात्मक बने स्टडी करते हुए। एक जैसे हमारे जो बीच में रिसोर्स पर्सन कहें या ऑफिसर मिसेज सुनील कुमारी जी, वो उन्होंने जैसे एक बात बताई कि आप जो बनना चाहते हैं उसकी अभी से तैयारी करें। हम लोगों को पता नहीं होता कि फॉर्म कौन सा खुला है, अभी NDS की तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ना वो एक बाज सुना होगा, बाज होता है एक, तो कहते कि वो उसकी जो नज़र होती है वो चूहे पर ऐसी होती है कि वो उससे बच नहीं सकता चूहा, कितनी भी ऊंचाई पर हो। उसी तरह से हमारा जो फोकस है वो हमारे करियर पर है, जो हम लोग करना चाहते हैं, तो क्या हम लोग उसके बारे में सोचते हैं? हमारी नज़रें क्या न्यूज़पेपर में या जब मोबाइल चलाते हैं उसमें खोजती है कि ऐसी नौकरी, ऐसे लोग कौन से हैं जिन्होंने इस चीज़ में महारत हासिल की है? एक तो ये है कि स्टडी के साथ साथ हम आज ही से, होता क्या है कि ये हमारे साथ भी हुआ, हम अवेयर भी नहीं थे, आज जागरूकता के अनेकों स्रोत चल चुके हैं। आज मोबाइल है, हम लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे स्टूडेंट जो 15 साल की उम्र में ही उन्होंने ऑनलाइन या जैसे भी आज बिजनेस में आज वो लाखों कमा रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट्स को पता होगा। ब्लॉगर हैं बहुत ऐसे ज़बरदस्त और जिनके चैनल चलते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सा काम करते हैं और वो लोग आज इतना पैसा कमा रहे हैं। एक तो मैंने एक लड़का देखा, मेरे को लगता है 9th 10th का स्टूडेंट था, और वो डांस के स्टेप बताता है, वो ऐसे एक दो स्टेप बताएगा, 2-3 मिनट की वीडियो होती है, और उसके लगभग फॉलोअर हैं 1.5 लाख के करीब यूट्यूब पे। मान के चलो कि वो अपनी स्टडी का खर्चा 10-12-15 हज़ार रुपये उसकी इनकम है आज। तो ये एक छोटी सी बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अपने करियर के प्रति जागरूक रहें। हम जैसे आप स्टडी करते हैं तो देखिए, सभी मेरे को लगता है समृद्ध परिवारों से है, इस स्कूल का खर्चा भी काफ़ी है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे आप बच्चे मजदूरी करते हो, मजदूरी करने वाला तो यहाँ कोई नहीं होगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई आपके परिवार में करता हो, ऐसा तो हो सकता है कहीं, क्योंकि कई पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक अच्छे विद्यालय में पढ़े। लेकिन आज जो है ये एक जानना, एक सोचना ज़रूरी है कि क्या हम अपने करियर के बारे में स्टडी के साथ साथ सोचते हैं? कितने स्टूडेंट्स सोचते हैं, प्लीज़ रेज योर हैंड, कि मुझे ये बनना है। चाहे घर में कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, घर में गाड़ी है, ज़मीन है, धन है, आपके डैडी बहुत ही अच्छी जॉब में है, बिजनेस आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि मेरे को जो है अपना करियर खुद बनाना है और मेरे को अपने पैरों पर खड़ा होना है।
अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और देखिए अब ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग क्या सोचते हैं। आप बताइए सर, प्लीज आप बताइए क्या सोचते हैं आप। बैंकिंग के बारे में सोचते हैं, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट बैठ जाइए, आपका नाम क्या है, आप बताओ। बैंकिंग के बारे में। और कोई ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जो अपने बिजनेस के बारे में सोचता हो कि मुझे मेरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, कोई भी है कोई? चल तो आप अभी सोच रहे हैं, तो सोच के साथ एक जॉब रोजल पार्टनर ने एक बात लिखी है, एक किताब लिखी कि पावर थिंकिंग। पावर थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचें। आप बैंकिंग के बारे में सोचो, सोचते जाओ सोचते जाओ। बहुत अच्छी बात है कि मैं बैंक में एक मैनेजर हूँ या मैंने बैंक के ऊपर सुपर मैनेजर हूँ, जो भी आप सोच सकते हैं। उसके बाद पावर थिंकिंग के अंदर क्या होता है कि उसके लिए हम लोग कार्य करें। आप बैंकिंग के लिए क्या अभी से तैयारी में जुट चुके हो, अभी से कंपटीशन टेस्ट के लिए आप तैयार हो अभी से? सपोज करो कि हो सकता है कि आप कोई एजुकेशन स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके अंदर स्कूल को क्लासेस देनी होती है, पढ़ाना होता है आपको। लेकिन अभी से आप अवेयर हो अपने करियर के प्रति, तो यूँ समझो कि आप हो सकता है कि 20 साल की उम्र में ही करियर आपका बहुत ही अच्छा हो। आपने ऐसा देखा भी होगा कि ऐसे स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स को 21 साल की उम्र में ही नौकरी लग गई, कुछ स्टूडेंट को ये जो NDA के होते हैं, जो इनको 18-17 साल की उम्र में एयरफोर्स के अंदर 17 साल की उम्र में नौकरी लग जाती है, क्या वो बेरोजगार रहेगा? अपने आप के प्रति हम लोग अवेयर रहे। पहली बात सोचना जरूरी है कि क्या हमें लगता है कि हम स्टडी किस लिए करते हैं, पढ़ाई किस लिए करते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझ के लिए, और उस जो स्टडी है उसके सहारे हम लोग क्या बन सकते हैं। क्रिएशन, अभी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम लोग अब क्या करें, अब स्टडी कर रहे हो आप, अब क्या करें, अभी बहुत कुछ हो सकता है। आप ये गर्ल्स की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, मैंने देखा है कई गर्ल्स की राइटिंग मशहूर होती है अपने उनके, कई बार कई बच्चों को गांव में भी जानते हैं कि उसकी राइटिंग सबसे अच्छी है, स्कूल में तो होते ही होते हैं ऐसे बच्चे मशहूर, और वो राइटिंग के कंसेप्ट को भी समझा सकते हैं किसी को, किसी बच्चे को समझा सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपने फेसबुक पे कुछ वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड कर दी, ये भी एक करियर है। छोटी छोटी एक्टिविटी, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। छोटी छोटी अचीवमेंट, छोटी छोटी उपलब्धियों से हम लोग महान बनते हैं। आप शुरुआत कीजिए, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए पुस्तक उठाइए आप करियर के लिए। आपको लगता है कि मैं इतने पैसे अभी एक्स्ट्रा मैं स्टडी के साथ साथ कमा सकता हूँ, उसके लिए कोई ना कोई काम कीजिए। आपका इंटरेस्ट जो है वो आप चूज़ कीजिए। स्टूडेंट में ऐसा एक बात कहता होता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं इंटेलिजेंट, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके घर में आपके पड़ोस में कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे, आप उनको भी कह सकते हो। थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि हमें लगता है कि एक स्टूडेंट तो क्या पढ़ाएगा, एक टीचर जो ट्यूशन पढ़ाता है वही पढ़ा सकता है। एक 10+2 1 का स्टूडेंट ऐसा होता है भी, ऐसे बच्चे कुछ एक जैसे वो अपने पड़ोस में से बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को एकत्रित करते हैं, कहते हैं कि आप हमारे घर भेजिए, वो आपको महीने का 100-50 रुपये जैसे भी हो सकता है आपको देंगे। ये भी काम हो सकता है, कितनी नॉलेज बढ़ती है हमारी इसके अंदर। तो यानी कि जितना आपके माइंड के अंदर आता है, एक मैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताऊंगा कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग का फील्ड चूज़ किया। वैसे मैं म्यूज़िक से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, संगीत से म्यूज़िक टीचर हूँ मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल में। तो अब क्या है कि म्यूज़िक टीचर की कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, लेकिन जॉब मेरे को रिजाइन देनी पड़ रही है। कारण क्या है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक स्पीकिंग था। अब देखिए उधर भी करियर हुआ, इधर क्या हुआ कि मेरा इंटरेस्ट जो है मुझे आवाज़ दे रहा है पब्लिक स्पीकिंग, मंच पर बोलना सीख जाएं तो कितने करियर हो सकते हैं बताइए। पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको मंच पर बोलना आ जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो, किस किस फील्ड में जा सकते हो, कोई बताएगा? कोई भी स्टूडेंट, अगर आपको मंच पर बोलना आ जाए तो किस किस फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हो, कोई भी स्टूडेंट बताइए बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बट ये स्टूडेंट एक्टिव है, इनकी आंखों से ही लग रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं, रियली इंटरेस्टेड स्टूडेंट है ये। और कोई बताएगा, और कोई भी? देखिए पब्लिक स्पीकिंग में क्या नहीं हो सकता, आप न्यूज़ रिपोर्टर देखते हैं, आज न्यूज़ रिपोर्टर की आप इनकम निकाल के देखना, किसी के 15 लाख मंथली, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख, ऐसा है ठीक है। और न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं कि आओ हम आज ले चलते हैं आपको
और बाल कन्वेंट स्कूल में जहाँ पर बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे एकत्रित हैं, पूछते हैं इनसे क्या प्रोग्राम है, क्या होना है, क्या आपने सीखा, ऐसा न्यूज़ रिपोर्टर जैसा न्यूज़ बोलते हैं ना वो। दूसरी बात इसके अंदर जैसे वो न्यूज़ रिपोर्टर के अंदर वही चीज़ आ गई जो सोशल वो जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जो संवाददाता के तौर पर काम करते हैं, न्यूज़ एंकर बनना, दूसरा एंटरटेनमेंट का एंकर बनना। नाउ आई एम इन्वाइट ऑन द स्टेज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, इज नन अदर, इज वेरी चार्मिंग, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक शायरी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा कि तेरे लबों की मुस्कुराहट को देख तेरे जज्बातों को जान लेता हूँ, अक्सर देख तेरी रहनुमाई का अंदाज खुद खुद अपनी गलती मान लेता हूँ। प्लीज कम ऑन द स्टेज। इंटरटेनमेंट एंकर हम लोग बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिंदगी में हमें जानना जरूरी है खुद को, खुद ही खुद की इबादत करना सीख ले, हम अपने आप को समझे, अपनी शक्तियों को जगाएं। अपार क्षमता है हमारे अंदर, लेकिन हम लोग बस कुक मंडूक बनकर रह जाते हैं। प्लीज़ हम अपने आप को जगाएं। मोटिवेशनल स्पीकिंग किसी को जगाना हो सकता है, मनोवैज्ञानिक काउंसलर अभी राजेंद्र जी जैसे बोले, मनोवैज्ञानिक काउंसलर, हम किसी को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, शब्दों में ताकत होती है। पता होगा आपको शब्द इंसान की ज़िंदगी बदलते हैं, शब्दों में ताकत होती है। कितने एक चीज़ के अंदर से कितनी चीज़ें निकल सकती हैं, आज ज़रूरी है आपको अपने प्रति अवेयर होने की, आपको अपने करियर के प्रति। जिन स्टूडेंट का जो भी इंटरेस्ट है, मैं भी आपकी उम्र से निकला हूँ, ऊर्जा बहुत होती है इस उम्र में। कुछ स्टूडेंट्स जैसे क्लास में ना बोलते बहुत हैं, शरारत करते हैं, एक टीचर उनको 10 बार रोकता है फिर भी वो बोलते हैं। ये क्या होता है? ये होता है कि एक तो इसको मैं कई बार इसको बीमारी भी बोलता हूँ, लाइलाज बीमारी, ऐसा स्टूडेंट का इलाज होना बहुत मुश्किल होता है। एक इसको मैं ये बोलता हूँ कि बीमारी नहीं है, ये ऊर्जा है, इसको एक अच्छा शब्द दे दिया जाए। मेरे से सच सुनना चाहो तो ये बीमारी है, सांत्वना के तौर पे मैं कहूँगा कि वो स्टूडेंट अगर है यहाँ पर कोई तो वो डरे ना, ये एक जो है ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम लोगों ने, अब देखिए एक बात और बताता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ मंच पर बुलाऊँ बारी बारी से, तो वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डरता है जो स्कूल में जो क्लास में सबसे ज़्यादा बोलता है बेवजह से। एक तो अच्छा बोलना होता है, बेवजह से ज़्यादा बोलता है, क्यों डरता है वो पता है? क्योंकि उसकी ऊर्जा तो वहीं लगा देता है वो बोल बोल के, और ऊर्जा हो यहाँ पे आने के लिए, और जो साइलेंस रहता है थोड़ा सा उसके चांस है कि यहाँ पे बोल दे। कहने का मतलब हम अपनी ऊर्जा को इस उम्र में, इस उम्र का हुनर से गहरा नाता, वजह जहन की ताकत बेहिसाब है, अगर मिल जाए कोई रहनुमा ज़िंदगी में इनको तो ज़िंदगी में इनकी लाखों किताब है, अनेक किताब हैं, बस ज़रूरत है थोड़े से मार्गदर्शन की। अपने ऊर्जा को सही रूप में प्रयोग करें। आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो धन है, आपके घर में जमीन है, गाड़ी है, जायदाद है, उसके लिए परमात्मा का थैंक्स करके अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लें। इसके ऊपर अहंकार ना करें। कई लोग अपने सिर पर वो गठड़ी लेके घूमते रहते कि मैं ये हूँ। देखो ठीक है, लेकिन दुनिया के अंदर कदर वही लोग पाते हैं जो लोग स्वयं कुछ ना कुछ करते हैं। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बारे में किसी ने सुना हो? हालांकि परिवार से वो ठीक थे, ऐसा नहीं था कि उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति की खास बात ये थी, वो कहते कि मैं मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं ले सकता, घर वालों से अखबार बांटते थे, वो मॉर्निंग में अखबार बांटते थे, सुबह शाम को अखबार बांटते थे और खर्चे से अपनी स्टडी करते थे। पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा, महान गणितज्ञ है। उस व्यक्ति का काम क्या था? वो मजदूरी करके अपनी लकड़ी काटकर, जो जंगल से लकड़ियां काटकर मार्केट में बेच के, और वो व्यक्ति जो है इतना महान बना था। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम हम अपने करियर के प्रति, जो घर वाले हमारे पैसा लगा रहे हैं हमारे ऊपर, जो हमारे से सपने हैं, हर एक माँ के आंखों में, बाप के आंखों में एक सपना होता है कि मेरा बेटा स्कूल से शाबाशी लेकर लौटेगा, मेरा बेटा या मेरी बेटी स्कूल से एक टीचर की शाबाशी लेकर लौटेगा। लेकिन कुछ बच्चे तो शाबाशी लेकर ही लौटते, वो पेंडुलम होते हैं, घर वाले जो है ना उनको स्कूल में भेज देते हैं कि जाओ स्कूल में, स्कूल वाले सोचते हैं घर कब जाएंगे ताकि हमारा पीछा छूटे। तो ऐसा जो है, मे बी स्टूडेंट में ऐसे बच्चे स्कूल में नहीं होंगे, और ऐसा होना भी नहीं है, हम लोगों को ऐसा बनना भी नहीं है। हम लोगों को अपने आप के प्रति, अपनी ऊर्जा के प्रति अवेयर होकर अपने करियर का निर्माण करना है। किस्मत के भरोसे नहीं रहना, कामयाबी का नुक्ता केवल किस्मत नहीं होता, वो ज़िंदगी मौत है जिसके जीने का कोई मकसद नहीं होता। एक मकसद के साथ हम लोग ज़िंदगी को जिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखें, सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे काम सीखें, चाहे आप स्टडी करें, स्टडी के साथ कोई पेपर का कहीं पर भी कोई दुकान पर छोटा मोटा जो आपकी स्टडी के साथ चल सकता है ऐसा काम करें, अपने करियर
को पहले से स्ट्रॉन्ग करें, जो लोग आईपीएस आईएएस या जो भी जैसे कि बैंकिंग में जाना चाहते हैं वो अभी से अपने प्रति अवेयर हों, और उसकी बुक्स है, उसके लिए जो भी कोर्स है वो आप इंटरनेट से, अगर गाइडेंस बहुत है इंटरनेट से, आप ये देख के और अपनी तैयारी शुरू करें। ज़िंदगी में सभी का भविष्य उज्ज्वल होगा। मैं अंत में दो पंक्तियों के साथ अपना मैसेज ओवर करता हूँ कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक और बोलता हूँ कि हर युग के अंदर कहते कि कृष्ण है, ऐसा नहीं, कृष्ण तभी थे। जो लोग दूसरों को ज़िंदगी में कामयाब कर देते हैं वो कृष्ण हैं, और जो लोग दूसरों के मार्गदर्शन से चलते हैं वो अर्जुन हैं। दूसरों से मार्गदर्शन से विजल पढ़ते हैं कि हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है, महाभारत हर युग की अटल कहानी है, बन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। धन्यवाद।